हैं हक के शहीदों, ठहरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है।
ठीक ठाक है इस तरफ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो साबु मैरी है ना इसका नाम है हम ये डेफनी क्लास साबु मैरी है और ये 1969 की है और 66 में बनना शुरू हुई थी और 1969 में ये कम्प्लीट और ये साबु मैरी का लास्ट कंपार्टमेंट है हाफ तार की जो रूम और दूसरा ये है कि जो साबु मैरी के चीफ पेटी ऑफिसर और पेटी ऑफिसर है ये उनकी मैस भी है। ओके ओके अच्छा दूसरा ये है कि इंडिविजुअल लाइफ में इसका रास्ता आने और जाने के लिए यहाँ से इसका रास्ता यहाँ से होता है आने और जाने का लोग ऊपर से सीधे आते हैं यहाँ पे इसकी सीढ़ी होती है इससे नीचे और आते जाते हैं। ये जो रास्ता बनाया गया ये विस्टा की सूरत की ये जो है साबु मैरी का क्यूबिकल है। साबु मैरी की जो प्रोपल्शन है वो यहाँ से होती है जो साबु मैरी की स्पीड है फ्रंट पे जाने के लिए बैक पे जाने के लिए वो यहाँ पे इस साबु मैरी के दो प्रोपेलर होते हैं बैक साइड पे लगे होते हैं रोम को एक को यहाँ से ऑपरेट करते हैं और दूसरे को यहाँ से। आपने से एक यहाँ पे हो गया ठीक है यहाँ पे कौन होते ये बेड्स लिए आपने यहाँ पे दो डीजल इंजन है एक ये डीजल इंजन है और एक ये इंजन डीजल इंजन इंजन इसके नीचे लगे होते हैं ये उसकी स्टार्टिंग पैनल्स है और उसकी सेफ्टीज है और ये जो एरिया है ये इसके जनरेटर एरिया है इस इंजन के साथ पूरा इंजन का एरिया इसकी जो है टैंक्स है। कमाल है साहब आप लोगों ने इसको किस तरह से यहाँ शिफ्ट किया है और ये यहाँ पे 2007 में आई है। अच्छा फिर इसको माशाल्लाह हमने उसी हिसाब से रखा हुआ है जिस हिसाब से हमारे हैंड ओवर बल्कि उससे इसको बेहतर किया ये जो है इंजन रूम में इसके कन्वर्टर है क्योंकि साबु मैरी की जो बैटरी से सप्लाई आती है वो डीसी आती है उसके बाद ये दो कन्वर्टर हैं 37 kV और ये दूसरा 37 kV ये हमें कन्वर्ट करके 115 वोल्ट एसी देते हैं डीसी से। आप कैसे बताए ये साबु मैरी की दो WC हैं फॉर 54 men ये जो अच्छा और ये गैली है जो इसके किल्लू हैं उनके लिए यहाँ पे खाना पकता है जी। इसको बनाने पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ये जो है इसका कूल रूम है जैसे घर में फ्रिज और फ्रीजर होते हैं तो ये इसका फ्रिज है इसी तरीके से ये आगे इसका फ्रीजर है इसके नीचे ये टैंक है पानी का नहीं ये इसके स्टोर है इसका अच्छा, राशन के लिए राशन के लिए और ये पानी के लिए टैंक है इसको जो किचन के लिए तो ये इसमें कितने दिन का राशन होता है 6 माह का राशन होता है नीचे स्टोरेज हो सकता अच्छा, है नहीं नहीं ये ये 71 बार में जो गाड़ी थी उसके लिए ये साबु मैरी का कंट्रोल रूम है यहीं से साबु मैरी को कंट्रोल करते हैं ये इसकी स्टंपेन है और ये इसकी बॉक लेन है इन दोनों की मदद से साबु मैरी की डेप्थ को कंट्रोल करें। सामने ये साबु मैरी का रडर है इससे इसकी डायरेक्शन को राइट को जाना है लेफ्ट को जाना है यहाँ से तक और ये जो है साबु मैरी का ब्रेक चौंक है साबु मैरी जिस वक्त सरफेस पे होती है तो ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं ठीक है। ये जी ये इसका कंपास है हाँ ये बहुत काम की चीज़ होती है जी भाई ये जो रडर है उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से जैरो से जाती है सही। कि जो बंदा वहाँ पे एक उसको ऑपरेट कर रहा है करते हैं कि इसके ऊपर 0-60 degree है तो उसके सामने रिपीटर लगा हुआ है वो भी उसी को 0-60 degree को मेंटेन रखेगा फिर कैप्टन की तरफ से आ जा रहा है
कि आप 100 की तरफ, यानी कि आप 60 डिग्री से 100 की तरफ खुलें, तो उसके पास सामने रिपीटर है, उसको तो ये साबू महरीन का ऑपरेशनल रूम है और ये ऑपरेशनल रूम में इसका पेरिस्कोप है जी, ये बहुत इसको जो है यहाँ से ये जो है इसको लोड करते हैं, जो कि देखना करना हो ये अभी भी इसमें काम कर रहा है। नजर आ रहा है बाकी तो अच्छा साइज है इसका माशाल्लाह। ये सर साबू महरीन का ऑपरेशनल रूम है, यहाँ पे रेडार है, सोनार है, नेविगेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए चीजें लगी। सीओ कहाँ बैठते हैं वो? सीओ ये जो सीट है यहाँ पे, ये जो चेयर, अच्छा ये सीओ की चेयर भी है और यहीं से बैठ के जैसे हम खड़े होके पेरिस्कोप से देख रहे थे, वो यहाँ पे टेलीस्कोप में यहाँ से बैठ के देखते हैं, देखते हैं और यहाँ से हमें नजर आते हैं ये इस जगह से, यहाँ बैठ के यहाँ से उसको देख रहे होंगे और इसका व्हील से उसको घुमाना हो, कुछ करना हो और उसको जूम करना हो, कुछ भी कर लो तो यहाँ से देख के रहते हैं, यहाँ से कंट्रोल होता है सारा। ये जो है साबू महरीन का DLT सिस्टम है और जो इसका वेपन का सिस्टम है और हमें जो टॉरपीडोज, मिसाइल या जो भी वेपन यहाँ से फायर करते हैं, इस जगह से फायर करते हैं, ये फायर लिखा हुआ है। ठीक है जी, और बताएं जनाब। ये इसके सोनार है साबू में, तो साबू महरीन की जो डाइव पे साउंड नेविगेशन और रहने जो आवाज़ की मदद से किसी भी से शिप की ट्रांसमिशन है या उसकी जो प्रोपेलर है उसकी नॉइज़ है या जो भी, तो वो यहाँ पे इन्हें पता चलता रहता है, यहाँ पे ऑपरेटर साइड से सुनता रहता है, फिर इसकी जो रेंज और बेरिंग बाकी। अच्छा, इसमें कंप्यूटर वगैरह भी लगे हुए थे इसमें? ये बात की मॉडिफिकेशन। अच्छा अच्छा, बात की। ये रेडार है, ये इसका सैटेलाइट नेविगेटर है, ये इसका इको साउंडर है और ये इसके, तो काफी हाईटेक बना लिया आप लोगों ने इसको। ये जो है इसके अंडर वाटर टेलीफोन है, अपने शिप्स अपनी सब मैरीन के साथ बात कर सकते हैं, इनके साथ हेडफोन के साथ, इस तरह जो है सारा काम। बस सर यहाँ के लिए आपके लिए बहुत है, काफ़ी है। अच्छा, ये जो है साबू महरीन का वार्डरूम है, ऑफिसर में से साबू महरीन के जो ऑफिसर रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ये जिन साहब की तस्वीर लगी हुई है, ये इस साबू महरीन के पहले कमांडिंग ऑफिसर हैं। अच्छा अच्छा, वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम, ये सबसे पहले जब इन्होंने लेके भी यही आए थे। अच्छा, इनको एज ए लेफ्टिनेंट कमांडर इन्होंने जब कमीशन हुई है साबू महरीन तो लेके, उसके बाद इन्होंने इसके 71 वार में भी कुकरी को तबाह किया। ओह वेरी गुड, और इन्हें दो मरतबा सितारा जुरत मिला। वेरी गुड। आप भी में या बारे में था? मैं अभी फोर से 12 तक, 4 से 12 अभी आप आए थे। साबू महरीन का फ्रंट वाला हिस्सा है और ये इसकी टॉरपीडो लॉन्चर ट्यूब्स है। इस साबू महरीन में 12 लॉन्चर ट्यूब्स हैं, 8 फ्रंट पे हैं और 4 जो है बैक साइड पे। ये इनसाइड की प्रेशर लगी हुई तो ये नज़र आती है, 4 ये हुई 4 हुई, वहाँ पर नज़र इसलिए नहीं आती कि वो आउट साइड की प्रेशर आ रही है।